मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17 नए प्रकरण आए हैं। इसी तरह 34 लोग पूरी तरह ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में इस समय 236 एक्टिव केस रह गए हैं। संक्रमण दर 0.32% रह गई है। वहीं रिकवरी की दर 98.7% बनी हुई है। 24 घंटे में 5,292 सैंपल कलेक्ट हुए थे। 43,000 से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। राहत की बात यह है कि पुलिस में कोई नया केस सामने नहीं आया है। इस समय 2 पुलिसकर्मी ही कोरोना से संक्रमित हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बीते 24 घंटे में सबसे अधिक 6 नए केस सामने आए हैं। भोपाल और ग्वालियर में 2-2 नए केस मिले हैं। बैतूल, डिंडोरी, कटनी, खंडवा, मंडला, उज्जैन और राजगढ़ में 1-1 केस मिले हैं। मध्य प्रदेश में कुल 236 एक्टिव केस हैं। इनमें इंदौर में सबसे अधिक 66 एक्टिव केस हैं। इसी तरह भोपाल में 47, रायसेन में 23 और ग्वालियर में 12 केस एक्टिव शेष अन्य जिलों में हैं। ये था आपका अपडेट। लगातार जानकारी मिल रही है। वो तो फैमिली के साथ। जय हिंद, जय भारत।